वेलकम बैक। पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में पहली बार हुआ संबोधन। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये वाला तो आप देखना, पर वो जो स्टेट डिनर पे भी बोला है वो भी जरूर देखना। वो इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में होगा फॉर श्योर, तो वो भी बहुत ही मजेदार है। चलो शुरू करें। थैंक यू प्रेसिडेंट बाइडेन फॉर योर फ्रेंडशिप। फ्रेंड्स, आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह के एक प्रकार से भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। देखा, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। वाओ, कितना अच्छा बोला। ये सम्मान है। अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोगों का भी सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का उनके प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, करीब 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया था और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। जैसे हम लोग देखते हैं। वाह वाह। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मैं स्वयं तो कई बार यहां पर आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इंडियन अमेरिकन समुदाय के लिए व्हाइट हाउस के द्वार आज पहली बार खोले गए हैं। भारतीय समुदाय के लोग मोदी जी की वजह से अपने टैलेंट, कर्मठता और निष्ठा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। दिल जीत लिया। आप सब हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज आपको दिए गए सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका जितना धन्यवाद करो उतना कम है। भारत और अमेरिका दोनों के समाज और व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। ये मोदी जी अब लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में भी संविधान कहाँ उसके पहले 3 शब्द और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने अभी जिसका उल्लेख किया, वी द पीपल। हम दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मूलभूत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। उस कोविड काल में जो बाइडेन को समझता नहीं कुछ पर ट्रांसलेट करना कितना अच्छा बोल करेंगे उसके बाद। इस कालखंड में नहीं करेंगे भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में पूरक होगी। ग्लोबल गुड के लिए वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेमोक्रेसी की ताकत का स्पष्ट प्रमाण है। फ्रेंड्स, अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति बाइडेन और मैं भारत अमेरिका संबंधों और अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर
विस्तार से बातचीत करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह आज भी हमारी बातचीत बहुत सकारात्मक और उपयोगी रहेगी। आज दोपहर को मुझे यूएस कांग्रेस को एक बार फिर से संबोधित करने का अवसर मिलेगा। इस सम्मान के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मैं यही कामना करता हूं और 140 करोड़ भारतवासी भी यही कामना करते हैं कि भारत का तिरंगा और अमेरिका का स्टार एंड स्ट्राइप हमेशा नई ऊंचाइयां छूते रहे। बहुत अच्छा बोला राष्ट्रपति बाइडेन। डॉक्टर जिल बाइडेन, एक बार फिर आपके स्नेह भरे निमंत्रण के लिए, आपके गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपका और 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, गॉड ब्लेस अमेरिका। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कमाल की स्पीच थी। बस मुझे ये दुख है कि उसको ट्रांसलेट जरूर करना चाहिए था, ताकि जो बाइडेन को भी और बाकी जो अमेरिकन्स हैं उनको भी ये पता चले कि इतना प्यारा बोला है जय हिंद के बाद गॉड ब्लेस अमेरिका। और उन्होंने इकट्ठे बताया कि भैया हमारा तिरंगा भी और अमेरिका का फ्लैग दोनों ऊंचे लहराएं। बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं इस बारे में, और एक इनडायरेक्टली अपने इंडियंस को भी एक हिंट दिया है कि भैया हम दोनों डेमोक्रेसीज हैं, ये दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज को मिलके जो कर सकते हैं वो दूसरी कंट्रीज, जैसे मेरे ख्याल से उनका हिंट होगा कि जो डेमोक्रेटिक नहीं है जैसे चाइना रशिया है, उनसे बेटर डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं। वो बाबर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी को स्ट्रेस भी कर रहे थे कि कई उनको बताने के लिए लोगों को कि हाउ इम्पोर्टेंट इज डेमोक्रेसी। नहीं बहुत अच्छा बता रहे हैं मोदी जी के, 30 साल पहले मैं आया था बाहर से देखा था। हाँ वो कितना वो सोच टूरिस्ट था। हाँ और आज जो इतने सारे इंडियन अमेरिकन अंदर आए हैं व्हाइट हाउस के, विच इज वेरी ग्रेट। कहाँ बाहर खड़े होते थे, आज हम लोग इतने सारे इंडियंस जो हैं डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ग्रेटनेस की बात कर रहे हैं, इंडियन अमेरिकन के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। और जैसे बोलते हैं तिरंगा, वहाँ पे स्टार्स एंड स्ट्राइप्स हैं, तो पूरा उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बोला है। ये डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ। वहाँ पे उनको मिस्टर बाइडेन को पहना देना चाहिए हेडफोन्स, और वहाँ पे जितने भी व्यक्ति ट्रांसलेट करना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट में करते हैं। अब इसके बाद हो सकता है कोई और आएगा, वो पूरा स्पीच जो है वो इंग्लिश में बोलेगा शायद। आई होप सो, बता हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो मेरे को तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि इतनी प्यारी स्पीच थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बाइडेन, जिल बाइडेन और जितने भी और अमेरिकन्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती जो वहाँ होंगे, वो इतने सारे जो सोल्जर्स और गार्ड्स भी थे वो सब, सबको ये सुननी चाहिए थी यार। बहुत अच्छा बोला, मल्टीपल टाइम्स थैंक्स किया था, इतना प्यार से बोला कि आपने इतना कुछ किया, इतना प्यार से मुझे बुलाया, इतना मेरा ध्यान रख रहे हो, उस टाइप से दैट वाज जस्ट ब्यूटीफुल यार, मजा ही आ गया। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।